हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरो वाटर सपोर्ट चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ वाटर प्योरीफिकेशन के ऊपर। और ये क्या है सो आप देख लीजिए। जो एक डोमेस्टिक वाटर प्योरीफायर होता है उसमें जनरली देखा गया है कि 75 जीपीडी का एक एवरेज 75 जीपीडी का ही आरओ मेम्ब्रेन लगा हुआ हम लोग देखते हैं। और ज़्यादा करके 100 जीपीडी का उसमें बूस्टर पंप लगा हुआ हम लोग देखते हैं। और जो फ्लो रेस्ट्रिक्टर होता है वो होता है जनरली 450 सीसी का, 450 मिलीलीटर पर मिनट के रफ्तार से रिजेक्ट करने वाला लगा रहता है फ्लो रेस्ट्रिक्टर ट्यूब। तो फिर जो पर घंटा यानी एक एवरेज जो पानी देता है वो देता है एक एवरेज 15 LPH। फिफ्टीन लीटर पर आवर पानी देता है। इनलेट प्रेशर वगैरह अगर सही है तो हो सकता है 16 दे दे, 18 लीटर दे दे। और 50 सीसी फ्लो रेस्ट्रिक्टर के कारण अगर इनलेट प्रेशर अच्छा खासा है तो 100 जीपीडी का जो बूस्टर पंप होगा वो अच्छे से पानी को प्रेशराइज करेगा तो 75 जीपीडी का मेम्ब्रेन भी 15 से ज़्यादा पानी एक घंटे में दे सकता है। एक एवरेज हम मान लेते हैं 50 लीटर। तो 15 लीटर तो ये तो हो गया वाटर जो प्योरीफाई होकर के आया स्टोरेज टैंक में सो, लेकिन इसका 3 गुना वेस्ट हो जाता है। ये है प्योर वाटर। हमारा जो वेस्ट वाटर है वो हो जाएगा एक एवरेज 15 × 3 = 45 लीटर पर आवर। अब बताइए कि ये दोनों मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5 × 5 = 10 × 0 = 1 4 × 5 = 60 LPH। 60 लीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आपके आरओ सिस्टम के अंदर में जो भी फिल्टर लगा होता है, जैसे कि इनलाइन फिल्टर में क्या लगा रहता है, सेडिमेंट फिल्टर, फर्स्ट फिल्टर आरओ सिस्टम के अंदर में, आउटर फिल्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आउटर फिल्टर की बात हम बाद में करेंगे। चलिए, सेडिमेंट फिल्टर के बाद लगा रहता है प्री कार्बन फिल्टर। और उसके बाद लगा रहता है आरओ मेम्ब्रेन। और उसके बाद लगा रहता है फ्लो रेस्ट्रिक्टर। अब बताइए, सेडिमेंट फिल्टर, प्री कार्बन, आरओ मेम्ब्रेन, फ्लो रेस्ट्रिक्टर से पानी जा रहा है 60 लीटर एक घंटे में। पर घंटे आप कितने देर, मतलब पर डे कितना घंटा आप आरओ चला रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लिया जाए कि एक घंटे ही आप पानी चलाते हैं, 60 लीटर पर डे पानी आप निकाल रहे हैं सेडिमेंट कार्बन और आरओ मेम्ब्रेन फ्लो रेस्ट्रिक्टर के थ्रू में। फ्लो रेस्ट्रिक्टर के थ्रू 550 सीसी के रफ्तार से या 450 मिलीलीटर पर मिनट के रफ्तार से पानी निकल रहा है सो अलग, प्योर वाटर है सो अलग, दोनों मिलकर के 60 लीटर पर आवर पानी निकल रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि पर डे अगर 60 लीटर ही अगर आप पानी आप निकाल रहे हैं तो आप देख लीजिए कि 60 एक दिन में हो जाएगा तो 365 डेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन ये हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा निकाल रहे हैं, 15 से ज़्यादा निकाल रहे हैं, यानी 60 लीटर भी वैरी कर जाएगा, 70 लीटर 80 लीटर टोटल पानी इसे मान निकल रहा है। हम मान लेते हैं इसको कि नहीं 365 दिन नहीं 400 दिन मान लेते हैं, एक साल में तो होता है 365 दिन ही, थोड़ा बहुत ज़्यादा निकलेगा उस, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 6 × 4 = 24,000। 24,000 LPH।
इतना लीटर, बोलिए इतना लीटर, 24,000 लीटर पानी सेडमेंट प्री कार्बन आरओ मेम्ब्रेन से होकर के पास हो गया, तो सेडमेंट प्री कार्बन वगैरह में भी काफ़ी कंटामिनेंट्स डिपॉजिट हो जाएगा और आरओ मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। जो घंटे का 15 लीटर पानी दे रहा है वो बाद में धीरे धीरे उसका रफ्तार कम हो जाएगा, धीरे धीरे 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा, फिर 11 होगा, फिर 10 होगा, इस ढंग से उस रफ्तार कम होते जाएगा। तो एक एवरेज एक साल के बाद वो रफ्तार मान लीजिए कि 70% 50% रह जाता है, बाद बाकी 30% 50% कम हो जाता है। तो क्या होगा कि पंप वगैरह पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, पंप वगैरह का टैप फॉर्म वगैरह लीक कर सकता है, जो उसके अंदर में बियरिंग वगैरह लगा है पंप के अंदर में उसका ग्रेजिंग वगैरह जो है जल्दी से जल्दी सूख सकता है, वो तरह का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी आरओ मेम्ब्रेन क्या करता है कि उसको अपने पास में बहुत सारा अपने अंदर में ही रख लेता है। प्री कार्बन फिल्टर जो हम लोग उसके थ्रू केमिकल को प्यूरीफाई करते हैं, वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, यानी जो भी क्लोराइड वगैरह होता है या और भी जो मिनरल्स होता है, 1 माइक्रोन के साइज में प्री कार्बन फिल्टर फिल्टर करता है। वो अपने अंदर में फिल्टर करने का मतलब है कि वो अपने पास में उसको रख लिया और पानी को साफ करके आगे भेज दिया। तो एक साल के अंदर में इसलिए कंपनियां बोलती है कि सेडमेंट कार्बन और आरओ मेम्ब्रेन वगैरह चेंज करना चाहिए, फ्लोर स्ट्रिक्चर वगैरह भी आरओ मेम्ब्रेन के साथ साथ चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उसका भी फ्लो 450 पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, 450 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर वाला फ्लोरिस्ट लगा तो वो सब भी धीरे धीरे स्लो होता है। इसके कारण आरओ मेम्ब्रेन भी देखा गया है कि धीरे धीरे ज़्यादा ही स्लो हो जाता है, समय समय पर फ्लोर स्ट्रिक्चर भी रिप्लेस होना चाहिए सेम टू सेम टाइम में आरओ मेम्ब्रेन का। यदि आरओ मेम्ब्रेन मान लीजिए कि अगर आप साल से ज़्यादा यूज करें, एवरेज 2 साल लाइफ देखा गया है, तो फिर उस स्थिति में कम से कम एक बार साल में एक बार फ्लोर स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए सेम वैल्यू का। उससे क्या होगा कि आरओ मेम्ब्रेन का लाइफ और उसका जो वाटर प्योरीफिकेशन का जो टाइमिंग है पर आवर के हिसाब से उससे बना हुआ रहेगा। तो इस तरह का मुझे ये बताना था कि 24,000 लीटर आप पानी निकालते हैं, आप ऐसा नहीं सोचें कि आप जो है प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 15 लीटर ही पानी निकाल रहे हैं, मात्र 6,000 लीटर ही पानी निकाल रहे हैं, उससे प्योर वाटर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो 6,000 लीटर नहीं निकाल रहे, एक एवरेज आप 24,000 लीटर पानी निकालते हैं। इस यही कारण है कि कंपनियाँ उस पर लिखती है, रिकमेंड करती है कि सेडमेंट प्री कार्बन फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन वगैरह आपको आफ्टर 1 ईयर रिप्लेस करना चाहिए। जनरली सेडमेंट कार्बन फिल्टर के बारे में बोला जाता है कि 1 साल में रिप्लेस करना चाहिए, और आरओ मेम्ब्रेन के बारे में बोला जाता है एक एवरेज आप 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ अभी तक चल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसे आप लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे आरओ वाटर सपोर्ट चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे इस आरओ वाटर सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।